यार, क्या बुक कर दिया। हेलो गाइस, आज है हमारा पेरिस ट्रिप का पहला दिन और आज हम पेरिस नहीं जा रहे हैं। हम रास्ते में बीच में स्टे करेंगे क्योंकि 12 आवर की जर्नी है और इस सब कुछ हमने प्लान हमारी शनाया को देख के ही प्लान किया है, होटल एंड ऑयल एवरीथिंग। सो इसलिए हम डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, तो रास्ते में हम रुकेंगे। 9 आवर की जर्नी आज करेंगे हम, बाकी की हम कल करेंगे। तो हमने अपने गाड़ी के नेविगेशन ऐप पे अपना जो आज का डेस्टिनेशन एड्रेस है वो सेट कर दिया है एंड वी विल फॉलो दिस वन बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू इंटरनेट। हम जो थे 5:30 बजे निकल चुके थे, तो उसका हमें एक फ़ायदा ये मिला है जो कि दिखाई दे रहा है कि अभी 4-5 घंटे तक नहीं उठने वाली है और ऊपर से सिटी का भी हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला, तो सीधा हम हाईवे पे। ऑस्ट्रिया से फ्रांस जाते हुए आपको जर्मनी होके जाना पड़ता है। वैसे तो मेरा फेवरेट ट्रांसपोर्ट ट्रेन है, बट अभी वियना टू पेरिस डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं थी बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, और इसलिए हमने कार का ऑप्शन चूज़ किया, जो कि बिल्कुल भी बुरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि व्यू प्लस सॉन्ग प्लस लॉन्ग ड्राइव ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त होता है। जब भी आप किसी ट्रिप पे जाते हैं तो उसका जो बेस्ट या मेन पार्ट जो भी होता है वो होता है ट्रैवल का, कि आप उसको कैसे इंजॉय कर रहे हैं। सो वी आर इंजॉइंग नाउ। हम 4.5 घंटे की ड्राइव करने के बाद यहाँ पे अभी रुके हैं। ये रेस्ट प्लेस है और किड्स एरिया है यहाँ पे, पर ये किड एरिया जो है 10 बजे ओपन होगा, तो अभी हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको एक चीज़ अच्छी देखने को ये मिलेगी कि यहाँ पे जगह जगह रेस्ट प्लेस है, जो पेट्रोल पंप हैं और फ्री के भी होते हैं। पेट्रोल पंप पे आपको वॉशरूम यूज़ करने के लिए पे करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू मी, हाइजीन पर्पज से देखूँ तो मैं पेट्रोल पंप को ज़्यादा सही मानती हूँ क्योंकि वो क्लीन होते हैं, जो फ्री वाले होते हैं वो इतने क्लीन नहीं होते, लेकिन आपको जगह जगह वो मिल जाएंगे। सो गाइस, यहाँ पे हम अब खाना वाना खाएंगे। और शनाया, शनाया क्या लिया आपने? और ये मेरी बेटी जब भी पेट्रोल पंप में जाती है कुछ ना कुछ ज़रूर लेती है। ये लिया, वाओ। मंदीप क्या खा रहा है? पराठे विद गार्लिक ब्रेड। भाई देसी लोगों का जुगाड़, दही विद पराठा, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता। पेट पूजा तो सबसे पहले है। तो अब हमने यहाँ पे खाना खा लिया है और मंदीप भी रेस्ट कर चुका है थोड़ा सा, और शनाया भी इधर उधर घूम चुकी है।
तब हम अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। शनाया को तो बहुत सारे टॉयज मिल गए, राइट शनाया, खेलने के लिए। सो एंजॉय। तो शनाया मजा आ रहा है? तो गाइज अब हम पहुंच चुके हैं तो अपार्टमेंट में, जो कि हमने रास्ते के लिए लिया था। यहाँ से जो पेरिस का रास्ता है वो 3.5 घंटे की जर्नी है, तो जो हम कल तय करेंगे। और ये अपार्टमेंट हमने Airbnb के थ्रू बुक किया है। जिन लोगों को नहीं पता है PNB, इट्स ओके, इज अ ऑनलाइन साइट। उस पर आपको होटल्स वगैरह नहीं मिलते हैं, जो घर होते हैं, हाउसेस वगैरह होते हैं, उनके जो ओनर होते हैं उनको अपना कुछ पोर्शन वो रेंट आउट कर देते हैं, उससे वो PNB के थ्रू ही आप बुक कर सकते हो। तो उन पर वो घर ही दिखाता है। तो हमने भी ये PNB के थ्रू लिया है। हमने होटल का एक्सपीरियंस किया था, होटल अपार्टमेंट का किया था, लेकिन कभी घरों का एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो ये न्यू एक्सपीरियंस है हमारे लिए, क्योंकि हमें मुझे था कि किसी के घर में रहना है, इनके घर कैसे होते हैं ये देखना है। और ये भी एक्चुअली काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, पुराना है, इसका फर्नीचर भी पुराना है। तो ये घर पूरा पुराना है। जब एंटर हुई थी इस घर में तो ऐसा लगा था कि अरे यार क्या बुक कर दिया, वेस्ट हो गए पैसे। बट उसके बाद, क्योंकि उसके कुछ रीज़न थे, हीटिंग ने, ओनर नहीं था, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ओनर नहीं था, वो बाहर गया हुआ था। और हम यहाँ पे 5 बजे पहुँच गए थे, तो उसके बाद हम ओनर था नहीं, तो हम शनाया को थोड़ी देर के लिए पार्क में ले गए। उसके बाद हम यहाँ पे आए तो हीटिंग वीटिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, गैस वगैरह नहीं चल रही थी यहाँ पे, तो इसकी वजह से थोड़ी सी इरिटेशन हो रही थी। तो ऐसा लगा कि वेस्ट हो गए पैसे, मतलब क्या करते अब कहाँ जाएं। बट उसके बाद हीटिंग हो गई, ओनर से बात हुई और सारे काम मैनेज हो गए। उसके बाद मैंने कुछ अच्छी चीज़ें भी देखी कि क्लीनिंग पूरी प्रॉपर क्लीनिंग थी इस घर की। पुराना दिख रहा है लेकिन साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी यहाँ की, ब्लैंकेट्स एंड ऑल वो बहुत सही थे। तो उसके बाद हुआ कि चलो नहीं अच्छा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि बेसिकली क्या था, फैसिलिटीज़ नहीं थी, जो था वैसे अपने घर में करते हो वैसे घर में थे। तो एक्सपीरियंस था, नया था, पहले अच्छा हुआ, अच्छा एक्सपीरियंस है एक्चुअली।